देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि तेजा जी ने। तो सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना रवि तेजा जी के बेस्ट फ्रेंड के साथ घटी थी, जो कि कुछ इस तरह से है। जब मैं उस रोज शिमला से ट्रेन में चढ़ा तो मेरे जहन में वो पुरानी ही बातें चल रही थीं। दरअसल तकरीबन एक साल पहले पापा के तबादले के कारण हमें झांसी से दिल्ली आना पड़ा। हमें एक अरसा हो गया था झांसी में रहते हुए, जिसके चलते वहां काफी दोस्त बन गए थे। दोस्तों के साथ बीता हुआ हर एक पल आज भी याद आता है। साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड भी। उस रोज जब हम लोग झांसी से निकले तो मुझे उससे मिलने तलक का मौका भी नहीं मिला। दिल्ली आने के बाद मैंने उससे कॉन्टेक्ट करने की भी काफी कोशिश की, मगर कभी उसका फोन लगा ही नहीं। पहले मुझे लगा शायद मेरे बिना मिले चले आने से नाराज हो गई होगी, इसलिए फोन बंद करके बैठ गई है। गुस्सा शांत होते ही कॉल जरूर करेगी, वैसे भी उसका गुस्सा ठहरता ही कितनी देर तक है। मगर दिन से महीने बीत गए और अब साल भर बीत चुका है, ना तो उसकी कोई कॉल आई और ना ही उसकी कोई खबर। पिछले एक सालों में मैं अंदर ही अंदर हर रोज रोया, भूलने की भी काफी कोशिश की मगर भूल ही नहीं पाया। उसका वो हंसना, छोटी छोटी बातों पर पल भर में रो जाना, शायद मैं कभी भूल ही ना पाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कभी मेरे से दूर ही नहीं गई, वो मेरे आसपास ही रहती है। खैर, जब मेरी ट्रेन झांसी पहुंची तो मैं पानी लेने के बहाने ट्रेन से नीचे उतरा कि तभी मुझे प्लेटफार्म 2 पर मेरी गर्लफ्रेंड दिखी। उसे देखते ही मेरी धड़कनें बहुत ही तेज हो गईं। इससे पहले मैं उसे आवाज देता कि उस प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आ गई, और जब वो ट्रेन वहां से गई तो वो भी जा चुकी थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरी नजरों का धोखा होगा। ये सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया और वापस अपनी ट्रेन में आकर बैठ गया। फिर कुछ ही देर में मेरी आंख भी लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड सामने ही बैठी है। उसे अपने सामने देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो खुशी इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि हमारी आंखों में आंसू थे और गला भर आया था। पहले कुछ पल तो हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर वो बोली, कैसे हो? मैं अपने इमोशन को संभालते हुए बोला, कैसा हो सकता हूं मैं आपके बगैर। इसके बाद हमारी देर रात तक बात चली। फिर वो रात के 2 बजे बोली, अब आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। पहले तो मैंने ये बोलकर सोने से मना कर दिया कि एक साल बाद तो तुम मिली हो, ऐसे में मैं भला सो के टाइम क्यों खराब करूं। मगर ना जाने क्यों थोड़ी ही देर में मुझे इतनी तेज नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा तो वो मुझे नजर नहीं आई। मैंने वहीं बैठे लोगों से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो उन्होंने हैरानी के साथ बोला, कौन लड़की, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। मैंने उनसे कहा भी, अरे वो लड़की जो झांसी से चढ़ी थी। इस पर उन्होंने कहा, अरे भैया कोई भी लड़की नहीं चढ़ी झांसी से, और तुम ये बताओ कि रात को क्यों बड़बड़ा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे अपना नया कॉन्टेक्ट नंबर दिया था। मैंने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल किया। पहले तो किसी ने नहीं उठाया, मगर दोबारा ट्राई किया तो कॉल किसी लड़के ने उठाया, और जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो उस लड़के ने बताया कि वो उसका भाई है, और उसने आगे बताते हुए कहा कि उसकी बहन की मौत तो तकरीबन साल भर पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जब मैंने एक्सीडेंट का दिन पूछा तो पता चला कि
जिस दिन हम लोग झांसी से निकले उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मैं वहीं टूट गया और मेरे आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगे। मैं अपना सर पकड़कर वहीं ट्रेन के गेट के पास बैठ गया। मैं अपनी बदनसीबी को कोसी रहा था कि तभी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि आप मुझे अब भूल जाओ, मैं अब चाहकर भी वापस नहीं आ सकती, मगर आपको ऐसे भी नहीं देख सकती, मैं आपको अपनी सांसें छोड़ने से पहले आप ही को याद कर रही थी और यही कारण है कि आपका वेट करती रही, बस आप अपना ख्याल रखना। फिर मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज आनी बंद हो गई और उसके बाद से मुझे कभी भी वो ना तो नजर आई और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। मैं आज भी उसी से प्यार करता हूँ और उसी से ही करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी रवि तेजा जी की बेस्ट फ्रेंड की दुखद लव स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।